हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। तो यार आज अपने ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यार पत्या में जो अपना एक बहुत ही बड़ा टेम्पल है, यहाँ पर महाकाली माता का यहाँ पर टेम्पल है, और वहीं पर हनुमान जी की भी एक मूर्ति है, जिसके लिए यार मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ से दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। एवरी सैटरडे यार जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अराउंड 7 से 8 किलोमीटर वॉक करके उस टेम्पल तक जाते हैं, और वहाँ पर दर्शन करने के बाद में वो वापस आते हैं यहाँ पर। तो यार मैंने काफ़ी टाइम से सुना था, और मेरा फ्रेंड है यार, बहुत ही अच्छे मेरे यहाँ पर फ्रेंड है, जिन्होंने मेरे को बोला था कि यार हम लोग वहाँ जाते हैं। तो मैं उनको काफ़ी टाइम से ऐसा बोल रहा हूँ कि यार मैं भी साथ में चलूँगा, लेकिन कहते हैं ना जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक आप उस जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो शायद फाइनली आज वो टाइम आ गया कि मैं भी उस टेंपल में जाऊँ और वहाँ पर जाकर दर्शन करूँ। तो यार आज मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में एक 7 से 8 किलोमीटर लंबा वॉक करूँगा यार, जो मैं अक्सर गुजरात में किया करता था, और हम लोग जाते थे अम्बा जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन उसके बाद लगभग आज 3 से 4 साल के बाद मुझे मौका मिला है यहाँ पर वापस से वॉक करने का, और वॉक करके एक टेंपल में जाकर भगवान के दर्शन करने का। तो चलिए आप भी मेरे साथ, और मैं आपको लेके चलता हूँ एक ब्यूटीफुल सी वॉक पर, और आपको दिखाता हूँ महाकाली टेंपल पत्या, राइट। फिलहाल मैं पत्या सिटी टूर, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिटी टूर का यहाँ पर ऑफिस है पत्या सिटी टूर, और ये मेरे यार फ्रेंड का ही ऑफिस है यहाँ पर, तुषार भाई और हार्दिक भाई फिलहाल मेरे साथ में हैं। हार्दिक अगर आप देखें तो यार ये हार्दिक है, तो हार्दिक भाई के साथ अपने वॉक स्टार्ट करते हैं और जाते हैं महाकाली टेम्पल। और इस 7 से 8 किलोमीटर के इस छोटे से आप कह सकते हैं यात्रा में, इस टूर में जो भी खास चीज़ें होंगी पत्या के बारे में वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो यार आप बने रहिएगा साथ में, और आपको कराता हूँ महाकाली मंदिर के दर्शन इन पत्या। लगभग 1 किलोमीटर की वॉक हो चुकी है, और हार्दिक भाई मेरे साथ में ही है अभी। तो अगर आप देखें यार आपको बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पाइप्स दिखेंगे मेरे पीछे, और इस रोड पर भी यार अभी काम चल रहा है। ये जो रोड है ये एक रेलवे लाइन है पत्या में, जो रेलवे लाइन पत्या से लेकर और बैंकॉक तक यहाँ पर ट्रेन चलती है, और आई डोंट नो यार मेरे कितने भाइयों को पता है इस ट्रेन के बारे में। और ये जो ट्रेन का स्टेशन है ये है बांग्ला मुंह में, और जो दूसरा स्टेशन है वो है फ्लोटिंग मार्केट के पास, पत्या फ्लोटिंग मार्केट के पास। यार बंगला मुंग तो काफ़ी पीछे था, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा अपना फ्लोटिंग मार्केट के बैक साइड वाला, मैं कोशिश करूँगा आपको वो स्टेशन दिखाने का। और ये जो काम चल रहा है, जो पाइप आप यहाँ पर देख रहे हैं यार, ये यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है, तो उस बारिश के पानी को वापस रिस्टोर करने के लिए एक पूरा पाइपलाइन यहाँ पर बिछ रहा है, और उस पानी को स्टोर करने का एक पूरा प्लान चल रहा है। तो यार बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि कहते हैं कि नेचर से बेस्ट कुछ नहीं है यार, और बारिश का पानी तो यार अपने आप में अगर आप बोले तो एक ऊपर वाले का वरदान है, राइट। अगर आप लोग सामने देखेंगे तो सामने एक रेलवे फाटक है यहाँ पर, और ये जो लाइन है रेलवे लाइन यहाँ पर, इसके ऊपर ही ये रेलवे फाटक है। जो ट्रेन अपनी बांग्ला मुंग से लेकर और बैंकॉक तक जाती है, ये उसी ट्रैक के ऊपर एक रेलवे फाटक है यहाँ पर। तो यार यहाँ का जो रेलवे फाटक है इसकी एक बहुत ही खास बात है, तो मैं सोचा ये भी आपको बताता चलूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रेलवे लाइन है, और ये आप देखेंगे रेलवे फाटक, और यहाँ पर आपको कोई भी कैबिन नहीं दिखेगा, यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है जो रेलवे लाइन पर यहाँ पर जिसकी ड्यूटी हो। ये ऑटोमेटिक है यार, अपने आप जब ट्रेन आती है ये बंद होता है, और यहाँ पर इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। और इस फाटक की जो खास बात यह है कि यार ये जो फाटक है ये सिर्फ आधा रोड कवर करता है यहाँ से जाने का, और जो सामने वाला जो फाटक है वो भी आधा रोड कवर करता है वहाँ से आने का। लेकिन यहाँ के लोग जो रूल फॉलो करते हैं यार, वो कभी भी रॉन्ग साइड से ये फाटक क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं करते। तो जो भी रूल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं यार, अगर आप सोच लीजिए कि अपने इंडिया में पूरा फाटक बंद होता है लेकिन तो भी लोग नीचे से घुसने का ट्राई करते हैं, बट यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है फाटक के ऊपर, और आधा फाटक है तो भी लोग इसको क्रॉस करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, राइट। बहुत ही अच्छी बात है अगर लोग ऐसे रूल और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो यार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा या कि यार जो रूल एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाती है वो अपने लिए ही होते हैं, राइट। क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि यार हेलमेट का चलान 500 रुपये हो गया, तो यार वो चलान हेलमेट का नहीं है, वो है आपकी सेफ्टी का। आप हेलमेट इसलिए मत पहनिए कि यार 500 रुपये का चलान हो जाएगा, हेलमेट इसलिए पहनिए कि यार हेलमेट पहनने से आपकी सेफ्टी है, राइट। तो इन शॉर्ट यार गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है वो आपके लिए बनाती है, तो प्लीज़ यार ट्राई टू फॉलो ऑल द रूल्स, राइट। आपको दिखेगा यार कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है ये रोड के साइड में, और सामने रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक और रोड के बीच में ये कुछ काम चल रहा है। तो आपको मैं बता दूं यार कि आने वाले कुछ सालों में ये जो यहाँ पर ये जो काम चल रहा है ये टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाली एक चीज़ है जो यहाँ पर बनाई जा रही है।
ये जो काम चल रहा है ये चल रहा है मेट्रो लाइन का, और मेट्रो लाइन अगर आप देखें तो इट्स अ काइंड ऑफ एयरपोर्ट से एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली लाइन। और ये जो मेट्रो है यार ये स्टार्ट होगी स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक से, और ये जाएगी लाइन उतापाओ एयरपोर्ट तक, उतापाओ जिसको आप पत्या एयरपोर्ट भी बोलते हैं, तो उतापाओ तक ये जाएगी मेट्रो लाइन। और इन बिटवीन यहाँ पर जो स्टेशन आएगा वो आएगा पत्या। तो आने वाले कुछ सालों में यार अगर आप स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से पत्या आना चाहते हैं तो आप टैक्सी और बस के अलावा आपके पास में एक और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है, और वो ऑप्शन है मेट्रो का। तो आप स्वर्णभूमि से पत्या सीधा मेट्रो पर आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ सालों के बाद, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट का डेडलाइन है ये है 2026-2027। तो 2026-2027 तक का ये मेट्रो लाइन चालू हो जाएगी, ऐसा यहाँ की गवर्नमेंट कहती है, राइट। तो अगर आप ये देखें तो यार ये है बैटल माउस शूटिंग रेंज, और यहाँ पर एक शूटिंग रेंज है यार जो अभी बिल्कुल हाल ही में नया बना है, और इसके बारे में यार जो लोग हैं वो ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग ओरिजिनल गन से फायरिंग करने के शौकीन हैं, जो शूटिंग का शौक़ रखते हैं, तो यार वो यहाँ पर आ सकते हैं। इट्स बैटल माउस शूटिंग रेंज। और ये जो रोड है यार अगर आप देखें, ये बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बाजू वाला जो रोड है ये वही रोड है, और ये रोड जो है खाओ तालो से यहाँ पर सीधा आता है। इसी रोड पर फ्लोटिंग मार्केट भी आती है, तो हार्दिक भाई वेट कर रहे हैं, चलिए हार्दिक भाई अपने चलते हैं आगे। तो यार एक नई चीज़ थी यहाँ पर, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करते जाएँ। तो यार इसका नाम मत भूलिएगा, इट्स बैटल माउस शूटिंग रेंज, एक नई चीज़ है आपके पास में यहाँ पर, अगर आप पत्या में आकर ओरिजिनल गन से फायरिंग करना चाहें तो, राइट। तो यार अगर आप ये बोर्ड देखें तो यहाँ पर चाइनीज़ में आपको कुछ लिखा हुआ दिखेगा, और ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं यहाँ पर, एक तो आपने फ्लोटिंग मार्केट का सुना है जहाँ पर अपने भाई लोग बहुत जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, तो ये जो मार्केट है दिस कॉल चाइनीज़ फ्लोटिंग मार्केट, ये चाइनीज़ फ्लोटिंग मार्केट है। इस जगह पर मोस्ट ऑफ चाइनीज़ टूरिस्ट ही ज़्यादा आता है, क्योंकि अपने लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये भी एक हिडन चीज़ है पत्या के अंदर, इस चाइनीज़ फ्लोटिंग मार्केट। तो कभी अगर आपके पास टाइम हो तो यार ये मार्केट भी ज़रूर डिस्कवर कीजिएगा। मेरे को ऐसा लगता था कि पत्या में एक ही फ्लोटिंग मार्केट है, लेकिन आज ये चीज़ मेरे साथ हार्दिक भाई ने शेयर करी यहाँ पर, कि यहाँ पर एक चाइनीज़ फ्लोटिंग मार्केट भी है। तो अब पत्या में एक नहीं दो दो फ्लोटिंग मार्केट है, और ये चीज़ आप भी याद रखिएगा, राइट। सर अगर आप सामने देख रहे हैं आपको एक छोटा सा शेड दिखेगा ऊपर, और शेड के साथ में अगर आप देखें तो आपको वाइट कलर की कुछ फेंसिंग भी दिखेगी। और ये जो रेलवे लाइन बैंकॉक से आती है, जो बैंकॉक से ट्रेन पत्या भी आती है, और आगे ये जो स्टेशन है इसका नाम जो है इट्स तलाट नाम, और तलाट नाम का मतलब है, तलाट का मतलब मार्केट, नाम का मतलब है पानी। तो ये फ्लोटिंग मार्केट का जो स्टेशन है ये वो स्टेशन है रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पर भी आके वो ट्रेन रुकती है जो बैंकॉक से चलती है। थोड़ा बरसात का मौसम हो गया है और अपने को अभी बहुत तेज़ वॉक करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अपने लोग सीधा महाकाली टेम्पल पत्या में, राइट। फाइनली यार अपने पहुंच गए बिल्कुल मंदिर के पास, और ये जो यहाँ से रास्ता जाता है अगर आप देखें तो मेरे पीछे ये रास्ता जा रहा है अंदर मंदिर के लिए, और तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं महाकाली मंदिर, महाकाली टेंपल पत्या। यहाँ पर ही जितने भी अपने फेस्टिवल्स हैं, जितने भी हम लोग फेस्टिवल अपने इंडियन फेस्टिवल होते हैं, हम लोग यहीं पर सेलिब्रेट करते हैं सारे के सारे फंक्शंस। अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो उसका पूरा सामान यहाँ पर मिलता है, पूरे फ्लावर्स हैं, अगरबत्ती है, और हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। जैसे अपने इंडियन टेंपल में शॉप होता है वैसे यहाँ पर एक शॉप है। यार अगर आप सामने देख रहे हैं आपको महाकाली माता की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा दिखेगी यहाँ पर, और ये है महाकाली टेंपल पत्या। और यहाँ पर अगर आप देखें तो गणपति पप्पा की मूर्ति है यहाँ पर। मेरे सारे भाई कमेंट करके बोलेंगे गणपति पापा मोरिया। अगर आप देखें तो और भी आपको दिखेंगे यहाँ पर इंडियन भाई यहाँ पर बैठे हुए दिखेंगे, और जो यहाँ पर एवरी सैटरडे और मंगलवार को यहाँ पर दर्शन करने आते हैं हनुमान दादा के। तो मैं आपको दिखाता हूँ हनुमान दादा यहाँ पर। तो अगर आप देखें तो यार हनुमान दादा की मूर्ति है यहाँ पर, और हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए एवरी ट्यूज़डे और एवरी सैटरडे यहाँ पर जो मेरे भाई हैं वो चल के आते हैं यहाँ पर। यार जो मैंने आपको एक ऑफिस दिखाया था पत्या सिटी टूर का, तो यार मेरा जो भी भाई अगर सैटरडे को और मंगलवार को अगर यहाँ पर चल के आना चाहता है मेरे भाइयों के साथ में, तो आप लोग पत्या सिटी टूर का जो ऑफिस है वहाँ पर आप लोग शाम को 5 बजे आ सकते हैं, और शाम को 5 बजे वहाँ से ये लोग निकलते हैं, और पैदल चलते हुए एवरी ट्यूज़डे और एवरी सैटरडे ये लोग यहाँ पर आते हैं हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराता हूँ महाकाली माता के।
लगभग 2 से 3 साल हो गए हनुमान चालीसा पढ़े भी, और आज बड़े दिन के बाद ये मौका मिला कि यार अपने दोस्तों के साथ में अपने हनुमान चालीसा पढ़ें और मंदिर के दर्शन भी हो गए। तो यार बस आज लिखा था कि अपने किस्मत में कि आज अपने को मंदिर के दर्शन करने, तो यार अपने मंदिर के दर्शन कर लिए और आई होप मेरे साथ आप लोगों ने भी मंदिर के दर्शन ज़रूर करे होंगे। तो यार फ्यूचर में अगर आप कभी भी अगर आप पते आते हैं और आप महाकाली टेम्पल आना चाहते हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर जो ट्रैवल कंपनी जितने भी यहाँ पर अपने भाई वर्क कर रहे हैं, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आपको जो पते का महाकाली मंदिर है वहाँ पर जाकर दर्शन करने हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर लेकर आएगा और अपने जितने भी देवी देवता हैं सब यहाँ पर विराजमान हैं। और बहुत ही जल्दी यहाँ पर प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है उसकी भी स्थापना की जाने वाली है, और प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है वो ऑलरेडी इंडिया से तैयार होकर बनकर यहाँ पर पत्या में हम लोगों के पास में आ चुकी है। लेकिन अभी जो उसका प्राण प्रतिष्ठा करना है उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि यहाँ पर अभी जो गैदरिंग है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन जो श्री राम भगवान की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसकी जो स्थापना यहाँ पर करनी है, वो बहुत ही धूमधाम से करने का विचार है अपने सब यहाँ पर भाई लोगों का। तो यार अभी हम सब लोग फिलहाल यहाँ पर वेट करें कब ये जो कोविड की रिस्ट्रिक्शन है ये खत्म होंगी और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर और मूर्ति की स्थापना यहाँ पर करेंगे। हनुमान दादा के बिल्कुल साथ में अगर आप अभी देख रहे हैं ये जो बनाया गया है एक नया जो आप छोटा सा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना होगी और एक अच्छा खासा जो हम लोग एक पूरा सेलिब्रेशन होगा यहाँ पर, जिसे बोल सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कह सकते हैं आप लोग, कि सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ पर प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। तो ये है महाकाली टेम्पल पत्या। और ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये आप शीरा वाली माता बोलिए, आप दुर्गा मैया बोलिए, आप अंबे माँ बोलिए, तो ये आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर पत्या महाकाली माता के मंदिर में, दुर्गा माता के, वैष्णो माता के। तो यहाँ पर आप देखें तो माता जी की प्रतिमा भी है यहाँ पर, और ये भी है अगर आप देखिए महाकाली टेम्पल पत्या में। तो यार यहाँ पर आकर अगर आप दर्शन करना चाहें तो मैंने आपको बताया कि जो भी आपके यहाँ पर टूर गाइड हैं, जो भी टूरिस्ट गाइड यहाँ पर हैं, आप किसी भी हेल्प ले सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर लेके आएगा। और यहाँ का जो लोकेशन है मैं यार डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, तो फ्यूचर में कभी आप यहाँ पर अगर दर्शन करना चाहें तो आप लोग आ सकते हैं। तो यार ये था महाकाली टेम्पल पत्या, आई होप यार कि आप लोग फ्यूचर में यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तो यार बस यही थी एक छोटी सी यात्रा जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। आई होप आज का जो वीडियो है, जो आज की यात्रा आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। और अगर अभी भी आप टेम्पल के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका जरूर जवाब दूंगा। और तो बस इतना ही था आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आस पड़ोस का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।